औकात हो बाबा बोल जाए घर पे मार जूता भंगी बना दो मिनट के अंदर हमारी बहू बेटी को प्लाट बताएंगे। किसी को हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है तो वो पाकिस्तान जाके अभी बस रहा है, उसे क्या दिक्कत है? अगर वो हिंदुस्तान में रही, भाई हिंदुस्तान में तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। अरे भाई हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू अगर हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा हिंदू राष्ट्र। मुस्लिम नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान, मुस्लिम रहे लेकिन हिंदू राष्ट्र तो होगा। ये हिंदू राष्ट्र न बन पाया है और नई मुल्क में न बन पाएगा। 100 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जन्म ले ले, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। एक बार नहीं 100 साल ले ले जन्म, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। एक बार आप बागेश्वर बाबा जो आप के फर्जी बाबा की बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो, फर्जी बाबा की बात कर रहे हो। खाली प्लाट कब्जा कर लीजिए, आपको हम बोल देंगे हमारे घर में औकात हो बाबा बोल जाए घर पे मार जूता भंगी बना दो मिनट के अंदर। हमारी हमारी बहू बेटी को, हमारी बहू बेटी को गाली पकड़ेंगे, हमारी बहू बेटी को गाली पकड़ेंगे, हमारी बहू बेटी को प्लाट बताएंगे, हमारी बहन जाएगी वहाँ पे प्लाट बताएंगे, हमारी हमारी बहन जाएगी वहाँ प्लाट बताएंगे। मेरे सामने आप बाबा जी को गालियाँ नहीं देंगे, नहीं नहीं क्यों, आप मारेंगे, आप मारेंगे, आप हमारे नहीं नहीं आप मारेंगे, हमारी बहू बेटी हमारे करेंगे, मारेंगे विरोध करेंगे, हमारी बहू बेटी है, आप प्लाट बताएंगे, जिसे हम अपना एक मिनट आप प्लाट बताएंगे, मेरी बहन जाए वहाँ पे, किसको गालियाँ नहीं बताओ, किस कहानी का, किसको गालियाँ नहीं, प्लाट प्लाट कहानी, प्लाट मतलब क्या हुआ आप बताओ, आप बिल्कुल बात गलत बात नहीं, प्लाट मतलब बताओ, आप ज्ञानी हो बाबा के, हम मानते हैं आपको, चलिए मैं आपको चरण छू रहा हूँ, बाबा नहीं छूंगा, आप बताओ प्लाट का मतलब बताओ, प्लाट का मतलब बताओ, क्या प्लाट, बाबा ने प्लाट बताओ, प्लाट क्या होता है, खाली रजिस्ट्री क्या होती है, कुछ नहीं का, अरे प्लाट हो गया क्या होता है, ये बिल्कुल गलत, ये आप अगर देश का देश के, अरे रुको भाई, हिंदू हिंदू है कहाँ यार, क्या बात कर रहे हैं, हिंदू कहाँ, हिंदू है भाई कहाँ, हिंदू है बताइए ना, हिंदू का मतलब समझते हैं, साबित करो कहाँ हिंदू है, कहाँ है कि हिंदू, चमार को तुम हिंदू मानते नहीं हो, बाल्मीकि के हिंदू मानते हो, किसी के हिंदू मानते हो, कहाँ के हिंदू मानते हो, वोट लेने के लिए हिंदू, वो जब मंच पे दलित भाई एससी भाई चिल्लाते हो, हिंदू हिंदू चिल्लाओ, और सुनो भैया एक बार और सुनो, जब किसी दलित के साथ के बेटी का रेप हो जाता है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी या किसी भी कार्यकर्ता ये नहीं कहता है कि दलित के हिंदू के बेटी के साथ रेप हुआ, बोलो कहीं चैनल दिखाओ, कोई पेपर दिखाओ, तब आप लोग कहते हैं कि दलित के बेटी के साथ रेप, तो ये कहो ना हिंदू के बेटी के साथ रेप हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे, सुनिए नहीं नहीं 24 में तुम लोग जाओ जाओ यार, बहुत पाप कर दिया बड़े भाई लोग, गरीबों को दे दिया, बहुत पाप कर दिया, मर जाओ, सीख लीजिए, उन्होंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी का राष्ट्रपति मंदिर में जाने नहीं दे रहे बेचारी का राष्ट्रपति को यार, बिल्कुल मायावती को बना दे, देश सुधर जाएगा, ये ध्यान देना बहन जी को, मानसिकता देखो, दलित दलित है, दलित जो है मूर्ति छू लेंगे यार, बात से सहमत नहीं भाई साहब, बात सहमत नहीं, देखिए सब भाई साहब चले गए, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, होना चाहिए बागेश्वर वाला बाबा जो कह रहे सही है, अरे भाई साहब देखिए अच्छा बता, अरे पंडित हम कह रहे हैं भाई साहब के चाहने से नहीं, मोदी तो ये भी चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री हम ही रहें, फिर बन जाएंगे फिर चाहेंगे हम ही रहें, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जो जम गया है वो एकदम समझ लिए बर्फ जना जमा, हटना नहीं चाहता है, आपके वोट की आवश्यकता नहीं है, हाँ मेरे देखिए ये देखिए 400 सीट आएगी भाजपा की, आप लोग देखते रहना, आप लोग कोई भी वोट मत दो, भाजपा आएगी, हमारे परम मित्र है, भाई भी है, सुन लीजिए हम लोग यहाँ कोई विवाद नहीं, क्या सीट बता रहे हैं गुरु जी, 400 सीट आ जाएगी जिस दिन यहाँ पे, हम इन्हीं के सामने आके मुछ मुड़ाएंगे, बताइए बताइए मुझे बुलाने की बात कह दी है, 400 सीटों पे सरकार हमारी बनेगी, पूर्ण बहुमत के बनेगी, और 300 प्लस 400 के बीच में सीट रहेगी, बनना एक अलग चीज है, खरीद के कोई चीज ला के घर में रख लेना एक अलग चीज है, आप अपने जादुई वोट है, जादुई वोट है, ठीक है, तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं, हमको जरूरत भी नहीं, इनके वोट की कोई आवश्यकता, वोट की जरूरत नहीं है भाई, वोट की सुनिए सुनिए, वोट की तो वो जरूरत है, वोट की तो वो जरूरत लोगों को होती है, कहने की बात है कि चुनाव के समय दलित का लोग पैर छूते हैं जाके, वोट की तो वो है कि मुसलमानों के चच्चा चच्चा करके आइए चच्चा, सरकार थी जाए कितने भी, अरे गांव चले जाओ, प्रधानी के चुनाव में चाचा जिताए हो, रात में 1 किलोमीटर पायो, आए दारू पायो कि खायो, और सुबह भैया चाचा राम राम ध्यान दियो, चाचा अपने बाप का पैर लोग नहीं छूते हैं, लेकिन चुनाव में ये देखिए काहे बहन जी को तो लोग छुए, खूब छुआ, बहन जी के जैसे सत्ता कोई चलाया नहीं, जितने शेर थे सब बहन जी के आगे गिद्दड़ सर झुका लिए यार, क्या एक बार मैं आपके चैनल के द्वारा कह रहा हूँ, एक बार आप जनता की ये जरूरत है,
आयरन बहन जी जैसा एक सत्ता चलाने वाला देश के प्रधानमंत्री चुन लो, देश न सुधर जा तो कहना मेरे बड़े भाई लोग आप लोग, हाँ बड़े बात कह रहा हूँ, देश न सुधर जा तो कहना है आप लोग बड़े भाई बोलो। अगर इस बार देश के हमारे जनता एक बार उनको बहन जी का मौका दे दे, ये रिक्वेस्ट है हमारे दलित भाइयों लोग से, एक बार बहन जी को मौका दे दो, सभी एक हो जाओ, सभी एक हो जाओ, बहन का देश देश का प्रधानमंत्री बनाओ, देश न सुधर जा तो कहना मेरे बड़े भाई लोग आप लोग, देश सुधर जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में सुधरा था, जैसे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दिखा दी थी ना अधिकारी लोग, जितने जितने बड़े बुजुर्ग हैं अधिकारी, 24 घंटा डीएम रात तक लंटेन तक अधिकारी लेके रोड बनवाते थे सर, रोड बनवाते थे अधिकारी कांपते थे, ऑफिसर 9 बजे पहले अधिकारी डीएम आवाज पहुंच जाता था, छोटे बड़े सभी का, उनकी तरह लॉयर चाहिए सर, उनकी तरह कानून व्यवस्था चलाने के लिए, देश के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री बनाने के, मायावती के एक बार चांस दे दो आप लोग, यार मायावती एक बार चांस, देश न सुधर जा तो कहना।